हेलो गाइस वेलकम टू कॉन स्टडी जेके एस एस बी क्लास फोर्थ की लेक्चर सीरीज़ में आज हम न्यू लेक्चर करेंगे एक जो होगा मैंसोरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा मैंसोरेशन का तो हमारा मैंसोरेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा क्लास फोर्थ का सिलेबस भी तो इस लेक्चर में मैं आपको मैंसुरेशन के प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन बताऊँगा जो आए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे हम उनको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है इसमें हमने सारा क्लास फोर्थ का सिलेबस करवाया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो और साथ में लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा तो स्टार्ट करते हैं इफ़ हाइट ऑफ कोन इज़ इंक्रीज बाय हंड्रेड परसेंट दैन द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज बाय देखिए जैसे मैंने बताया कि जो भी मैंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे सारे फार्मूलाज बेस्ड होंगे तो अगर फार्मूलाज लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सबसे पहले अगर फॉर्मूलाज पता होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन का पता लग जाएगा पाई आर स्क्वेर एच है ना अब उसने बोला है इफ़ हाइट ऑफ कोन इज़ इंक्रीज बाय हंड्रेड परसेंट तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं प्रीवियस में कि हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज हो गया कभी ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज हो गया तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि कोन की जो हाइट है वो एच है ठीक है तो हंड्रेड परसेंट इनक्रीज़ का क्या मतलब हुआ अगर मेरे को कोई वैल्यू दी हुई है हंड्रेड और मैं इसको बोलूँ कि इसका हंड्रेड परसेंट इंक्रीज कितना होगा तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं हंड्रेड इंटू हंड्रेड बाई हंड्रेड है ना तो कितना हुआ ये हंड्रेड इंक्रीज़ हुआ तो पहले हंड्रेड था तो टोटल कितना बन गया टू हंड्रेड हंड्रेड परसेंट इनक्रीज़ करने का मतलब किसी चीज़ को क्या होता है उसका डबल हो जाना ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू डबल हो जाएगी इसका मतलब हाइट अब हमारी क्या हो जाएगी डबल तो यहाँ पे क्या होगा हाइट एच से टू एच बन जाएगी तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा तो ये तो अब वॉल्यूम देखिए क्या होती है इसकी वन बाई थ्री पाई आर स्क्वा एच तो वॉल्यूम क्या बनेगी पाई आर स्क्वेयर टू एच पहले वॉल्यूम क्या थी अगर मैं टू को बाहर कॉमन लूँ पाई आर स्क्वेयर एच है ना तो देखिए अब वॉल्यूम क्या हो गई ट्वाइस हो गई ठीक है तो पहले वॉल्यूम मेरी जो वी वन थी वो क्या थी वन बाई थ्री H, और v2 क्या of, और आई ये, ये क्या है वी वन ट्वाइस ऑफ वी वन तो हमारा आंसर क्या आया कि वॉल्यूम जो है इस बार ही डबल होगी तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इफ बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर आर इंक्रीज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इज बेस क्वेश्चन में रेडियस एंड हाइट ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर को इंक्रीज किया ट्वेंटी कितना इंक्रीज होगा तो वही स्टेप करेंगे इनिशियल वॉल्यूम कितनी आएगी वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच अब देखिए ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज का क्या मतलब होता है ट्वेंटी परसेंट अगर कोई चीज हंड्रेड है तो उसका ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज कितना हुआ वन ट्वेंटी ठीक है ये मतलब हुआ उसका कि किसी चीज़ को ट्वेंटी परसेंट इनक्रीज़ कर देना तो इसको हम निकालते कैसे हैं हंड्रेड अगर किसी चीज़ का ट्वेंटी परसेंट निकालना तो क्या आएगा हंड्रेड इंटू ट्वेंटी बाय हंड्रेड कितना आता है ट्वेंटी ठीक है बट अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस को इनक्रीज़ किया तो रेडियस का ट्वेंटी परसेंट इनक्रीज़ कितना आएगा रेडियस इंटू ट्वेंटी बाई हंड्रेड ये कितना आएगा पॉइंट टू आर फाइनल और इनिशियल रेडियस कितनी थी आर जब इसको हम ऐड करेंगे तो न्यू रेडियस कितनी बनेगी वन पॉइंट टू आर ठीक है ऐसे ही न्यू हाइट बनेगी कितनी वन पॉइंट टू एच क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों को इंक्रीज किया है। तो अब हमारी फाइनल वॉल्यूम कितनी आएगी वन बाई थ्री पाई आई आर की प्लेस पे आएगा वन पॉइंट टू आर का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वन पॉइंट टू एच ठीक है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा वन बाई थ्री पाई तो वन पॉइंट टू का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे मैं आर स्क्वायर एच लिख सकता हूँ यहाँ पे आएगा वन पॉइंट फोर फोर टू वन पॉइंट टू ठीक है और ये जो वैल्यू है ये किसकी है V1 की और ये कितना बनता है 1.44 वन पॉइंट बनता है 1.728 तो V2 की वैल्यू क्या आई 1.728 पॉइंट सेवन टू एट ऑफ वी वन तो देखिए मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा 1.44 पॉइंट फोर फोर इंटू वन पॉइंट टू क्योंकि मुझे पता था यहां पे 1.2 का स्क्वायर बनना था 1.2 पॉइंट टू हो रहा था तो वन ट्वेल्व का क्यूब होता है 1728 तो इसलिए मुझे डायरेक्ट यहां पे पता लग गया 1.728 पॉइंट सेवन टू एट ये V2 होगा न्यू वॉल्यूम क्या आएगी 1.728 पॉइंट सेवन टू एट ऑफ वी वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इक्वल द रेडियस ऑफ बेसिस आर इन रेड टू वन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम तो देखिए कोन एंड सिलेंडर की हाइट इक्वल दी हुई है तो अगर मैं हाइट ऑफ कोन को मानू सी ओ एच सी ओ और हाइट ऑफ सिलेंडर को मान लो एच सी वाई ठीक है ये दोनों इक्वल दिया हुआ है और रेडियस ऑफ बेसिस का मतलब क्या हुआ रेडियाई का मतलब क्या हुआ जब एक बार रेडियस दिया हो तो रेडियस लिखते हैं जब प्लूरल दिया हो तो उसको रेडियाई लिखते हैं ठीक है द रेडियस ऑफ दर बेसिस आर इन द रेशियो ऑफ टू इज टू वन तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कोन अपॉन रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है टू इज टू वन अब बताना है उनका वॉल्यूम का रेशियो तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वाच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायेर एच यहाँ पे सिलेंडर आ जाएगा यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पे कौन यहाँ पे कौन तो देखिए अब इसमें हाइट तो दोनों के इक्वल है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा क्या वन बाई सॉरी ये वन बाई थ्री नहीं आएगा ये सिर्फ पाई आएगा तो हमारे पास बचेगा क्या वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायेर पाई आर स्क्वेयेर ठीक है क्या बचेगा हमारे पास जब हम इसको कैंसिल करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन बाई थ्री पाई आर ऑफ सी ओ स्क्वायर है ना और पाई आर ऑफ सी वाई स्क्वायर ठीक तो पाई से पाई कैंसिल आर ऑफ सी ओ स्क्वायर कितना आएगा और इसका रेशियो मैंने अभी निकाला था कितना था टू इज टू वन ठीक है इसका रेशियो कितना था टू इज टू वन तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा वन बाय थ्री टू बाय वन का होल स्क्वायर क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आर सीओ अपॉन आर सी वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो टू बाय वन का होल स्क्वायर आएगा तो इसका वैल्यू वैल्यू क्या आएगी फोर बाय थ्री क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होगा और डिवाइडेड बाय थ्री तो उनका रेशियो क्या आया वॉल्यूम्स का फोर बाय थ्री तो क्या करना है इस क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूलाजे पता होंगे तो फार्मूला से आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रेड ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ थ्री टू टू एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो ऑफ थ्री टू से रेशियो ऑफ देर वॉल्यूमज तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे सिलेंडर की रेडियो देखिए इसमें आपको डायरेक्ट लिख देना अब बार बार हम रेशियोज को अलग लिख के उसकी हाइट को अलग लिख के कुछ नहीं होगा तो वॉल्यूम वन एक सिलेंडर की वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होगा पाई आर वन स्क्वेयर एच वन है ना और दूसरा क्या होगा पाई आर टू स्क्वेयर एच टू पाई से पाई कैंसिल क्या बच गया आर टू बाय आर वन का स्क्वायर आर टू बाई आर टू दिया हुआ है थ्री बाई टू का होल स्क्वायेयर हाइट कितनी दी हुई है थ्री बाय सेवन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा नाइन बाय फोर इंटू थ्री बाय सेवन और इसका आंसर क्या आएगा ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी एट तो रेशियो क्या आया उनका ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी एट मैंने रेडियो जो रेशियो थी उसको लिखा और उसके बाद उसकी हाइट्स को भी लिखा तो उसका आंसर आ गया ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू एंड वॉल्यूम्स आर इक्वल जो हमारे पास गिवन चीज़ें होंगी उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगी तो दो सिलेंडर का रेडियस का रेशियो है आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू थ्री इज टू ठीक है थीके? अब उसने बोला उनकी वॉल्यूम्स इक्वल है तो इसका मतलब पाई आर वन स्क्वेयर एच वन इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वेयर एच टू अब हम सबसे पहले देखते हैं कैंसिल क्या होता है ये और ये अब उनका हाइट्स का रेशियो पूछा तो हाइट्स का रेशियो पूछा तो मैं हाइट को एक साइड लिख देता हूँ दूसरी साइड क्या आया आर टू स्क्वायेयर बाय आर वन स्क्वायर एच वन था या एच टू था एच टू को मैं नीचे लेके आ गया और यहाँ से आर वन को इसके नीचे लेके आ गया आर वन बाय आर टू स्क्वायर क्या है थ्री बाय टू का होल स्क्वायेयर तो हाइट का रेशियो क्या आया नाइन बाय फोर ठीक है ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर आर टू बाय आर सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या होगा आर टू बाई आर आर वन स्क्वेयर है ना तो यहाँ पे क्या होगा टू बाय थ्री का होल स्क्वायर तो ये क्या होगा फोर बाय नाइन क्योंकि आर वन बाय आर टू का रेशियो दिया हुआ ये तो आर टू बाय आर वन का क्या रेशियो होगा टू बाय थ्री ठीक है तो इसका आंसर होगा फोर बाय नाइन तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज ट्वेंटी सेंटीमीटर्स वॉल्यूम इज अगर आपको क्यूब्स के पता ही नहीं है फिगर का तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा देखिए क्यूब कैसा होता है क्यूब इस टाइप का होगा कुछ ठीक है ये होता है हमारी क्यूब की फॉर्म ये होगा क्यूब का फॉर्म अब उसने इस फेस का पैरामीटर दिया हुआ है हमें कितना ट्वेंटी सेंटीमीटर और पैरामीटर का मतलब क्या होता है साइड्स का सम ठीक है तो ये कितनी साइड्स हैं और, और इस और क्यूब की जो भी साइड होगी सबकी लेंथ क्या होगी ए होगी ठीक है सबका लेंथ ए होगी तो यहाँ पे कितनी साइड है एक दो तीन चार तो इसका मतलब फोर ए को उसने दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ए कितना आ जाएगा फाइव सेंटीमीटर मैंने फाइव सेंटीमीटर देखिए ए ही क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता होता है कितनी होती है ए क्यूब तो अगर पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब ट्वेंटी सेंटीमीटर था तो इसका मतलब चारों साइड्स का सम कितना था ट्वेंटी तो एक साइड का आ गया फाइव सेंटीमीटर अब वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की ए क्यूब इज इक्वल टू फाइव का क्यूब फाइव का क्यूब कितना होगा वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब ठीक है यूनिट्स ध्यान में रखना पेपर में वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब आएगा मीटर क्यूब आएगा ठीक है और डी एम क्यूब दे सकता है वो बट आपको अगर सारे आंसर सेम होंगे तो आपको यूनिट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सर्कुलर क्लोव एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव सेम बेस एंड हाइट्स आर इन रेशियो ऑफ टू इज टू थ्री सेम बेस का मतलब ये हुआ कि उसकी रेडियस सेम है ठीक है हम लिखते हैं ना कि रेडियस ऑफ इट्स बेस इज तो इसका मतलब जब उसने सेम बेस दिया हो इसका मतलब उसकी रेडियस इक्वल है दोनों की और हाइट्स का रेशियो है टू इस टू थ्री हाइट ऑफ मैं कौन लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ क्या लिखेंगे कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है हाइट ऑफ कोन और सिलेंडर को मैं यहाँ पे एल लिख देता हूं तो हाइट ऑफ कोन डिवाइड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है टू बाई थ्री और रेडियस उनकी इक्वल है तो वॉल्यूम आपको लिखना है वॉल्यूम क्या होगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेर एच किसकी कोन की और वन बाई थ्री पाई आर स्क्वा एल एच एल ठीक है तो देखिए हाइट और रेडियस तो दोनों की सेम है तो यहाँ से ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिलेंडर में क्या आएगा ये कोन है और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में वन बाई थ्री नहीं आएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास क्या बच गया वन बाई थ्री एच कौन डिवाइडेड बाय एच सिलेंडर ठीक है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे एच कोन और एच सिलेंडर ये वाली, वाली वैल्यू टू बाई थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है तो आपका आंसर क्या आएगा टू बाई नाइन ठीक है करके देखना काफी इजी है सिर्फ सिर्फ क्या करना है इसमें हमने टू बाई थ्री की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ़ सरफेस एरियाज ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशियो ऑफ नाइन टू सिक्स द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉमुलाज डायरेक्ट पुट करो दो स्फेयर की रेशियो दी हुई है उन्होंने सरफेस एरियाज की तो रेशियो क्या होगा सरफेस एरिया वन और टू का रेशियो दिया हुआ उसने फोर पाई आर वन स्क्वेयर फोर पाई आर टू का स्क्वायर ठीक है तो आ उसने रेशियो दिया हुआ है नाइन बाय सिक्सटीन ठीक है ये भी दिया हुआ है तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया है ना तो आर वन स्क्वायेयर और आर टू स्क्वायेर तो इसका मतलब आर वन बाय आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाय फोर ठीक है कैसे किया मैंने जब मैं अंडर स्क्वायर हटा के यहाँ पर अंडर रूट लगाऊंगा तो ये क्या होगा नाइन क्या बनेगा थ्री और आर टू बनेगा फोर ठीक है अब देखिए आर वन और आर टू की वैल्यू को ध्यान में रखना थ्री बाय फोर अब उसने वॉल्यूम्स बताना वॉल्यूम्स का क्या रेशियो होगा तो वॉल्यूम का रेशियो हो क्या होगा फोर बाय थ्री पाई आर वन क्यूब फोर बाय थ्री पाई आर टू क्यूब ठीक है देखिए फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री कैंसिल हो गया बाद में रेशियो किसका बना आर वन क्यूब और डिवाइडेड बाय आर टू क्यूब तो हमारे पास क्या बना था थ्री बाय फोर का क्यूब और थ्री बाय फोर का क्यूब क्या होगा ट्वेंटी सेवन बाय सिक्सटी फोर तो इसका रेशियो का क्या आंसर आया ट्वेंटी सेवन बाय सिक्सटी फोर तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था कि जब आपको पता लग गया कि रेशियोज़ किस पे डिपेंड है सिर्फ आर की वैल्यू पे डिपेंड है तो सरफेस एरियाज में स्क्वेयर आ रहे थे और क्यूब्स में और वॉल्यूम्स में क्यूब आ रहा था तो आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट उनका रेशियोज रेडियस uh, का रेशियो निकाल के उनका क्यूब कर देना तो आपके पास वॉल्यूम्स आ जाएंगी ऐसे लिख सकता हूँ हाइट इज इक्वल टू फोर इंटू टू पाई आर क्योंकि सर्कम फ्रेंस हमारे पास कितनी होती है टू बाई आर ठीक है तो फोर इंटू टू पाई आर ये हुआ हमारा यहाँ पे फोर इंटू टू पाई आर इसके बाद हम क्या करेंगे जब हाइट हमें दी हुई है फोर ऑफ सी और फोर इंटू टू पाई आर ठीक है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है इन टर्म्स ऑफ सर्कम तो इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए हमारा सी की फॉर्म में आना चाहिए वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच तो देखिए इसमें क्या होगा जो एच है वो भी सी की फॉर्म में निकालना है जो आर है वो भी सी की फॉर्म में तो जो मेरा एच है वो क्या आ जाएगा एच तो फोर सी आ गया और आर कैसे आएगा यहाँ पे एच तो मेरा फोर सी आ गया है ना तो यहाँ पे सी कितना है टू पाई आर तो इसका मतलब मैं आर को लिख सकता हूँ सी बाय टू पाई ठीक है ये हो गया मेरा यहाँ से आ गया आर की वैल्यू और यहाँ पे आ गई एच की वैल्यू अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस फार्मूलाज में इस फॉर्मूला में पुट करूँगा और आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब एट इज टू वन ट्वेंटी फाइव द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरियाज तो ये वैसा ही क्वेश्चन है स्वेयर जैसा स्फेर में भी ऐसा ही दिया था अब देखिए वॉल्यूम क्या होती है ए वन क्यूब डिवाइडेड बाई ए टू क्यूब और उसका रेशियो उसने दिया हुआ एट इज टू वन ट्वेंटी फाइव अगर मैं इनका क्यूब रूट लूंगा तो ए वन बाय ए टू क्या आएगा टू बाय फाइव ठीक है अब देखिए रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज क्या आएगा तो ये चीज ध्यान रखना ए वन बाय ए टू आया टू इज टू फाइव तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज क्या होता है सिक्स ए वन स्क्वेयर और सिक्स ए टू स्क्वायेयर ये तो कैंसिल हो गया तो ए वन बाय ए टू का स्क्वायर कितना होगा टू तो इस टू फाइव आया था टू बाय फाइव का होल स्क्वायर तो आंसर कितना आएगा फोर बाय ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ फोर बाय ट्वेंटी फाइव तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक करें इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच